हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है हेलो मोरी पॉड्स TWS ईयरबड्स। बेसिकली हेलो एक Xiaomi की सब्सिडरी कंपनी है जो सबसे ज़्यादा ऑडियो प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करती है। आज उसका हमारे पास हेलो मोरी पॉड्स आ चुका है जिसको हम पूरा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले। अगर आपको वीडियो देखने के बाद इस ईयरबड्स को परचेस करना है तो लिंक जाकर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये बस के अंदर आपको APTX टेक्नोलॉजी प्लस आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन चिपसेट मिलने वाला है जिससे काफ़ी आपको हाई क्वालिटी साउंड मिल जाएगा। प्लस आपको 24 आवर्स की बैटरी लाइफ मिल जाएगी, साथ में आपको काफ़ी लो लेटेंसी मिलने वाली है। इसके अंदर आपको CVC प्लस आपको एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिल भी मिलने वाले जिसको हम पूरा टेस्ट कर लेंगे। और मैं सारे फीचर्स को आउट ऑफ 10 स्कोर देने वाला हूँ जिससे काफ़ी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। सो आप वीडियो को पूरा देख लेना और वीडियो आपको यूजफुल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में आप बेल आइकन भी प्रेस कर लेना सो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ये रहा हेलो मोरी पॉड्स TWS ईयरबड्स का बॉक्स है। फ्रंट साइड में आपको हेलो की ब्रांडिंग, नीचे आपको इसका मॉडल नेम लिखा मिल जाएगा। बॉक्स की साइड में सारे फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, बैक साइड में सारी आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको हम पूरा टेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग, देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है। अनबॉक्सिंग करते ही सबसे पहले आपको मिलता है यूज़र मैनुअल जिसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट आपको मिलता है टाइप सी चार्जिंग केबल अपने चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए। और ये रहा हमारा मेन प्रोडक्ट हेलो मोरी पॉड्स TWS ईयरबड्स जो आपको 4 कलर में अवेलेबल है, वाइट, ब्लैक, पिंक एंड ब्लू। मैंने इसको ब्लू कलर में ऑर्डर कर दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। इस पूरे ईयरबड्स का वेट ओनली 40 ग्राम है जो काफ़ी लाइट वेट है। इसको बहुत ही आराम से बैग या पॉकेट में कैरी करके रख सकते हो। चार्जिंग केस काफ़ी वो कॉम्पैक्ट साइज में मिलता है। इसको आप मेरे हाथ के साथ कंपेयर करके चेकअप कितना आपको कॉम्पैक्ट साइज में ये मिल जाएगा, बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर बात करें मटेरियल क्वालिटी के बारे में, यहाँ पे काफ़ी हाई क्वालिटी आपको प्लास्टिक मटेरियल मिल जाएगा। साइड में आपको हेलो की ब्रांडिंग मिलती है और नीचे आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है इस चार्जिंग केस को चार्ज करने के लिए। यहाँ पे आपको चार्जिंग केस को ओपन क्लोज करने के लिए आपको मैग्नेटिक लॉक मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ईयरबड्स के अंदर भी आपको मैग्नेटिक लॉक मिलता है, सो बहुत ईजी आप इसको प्लेस करके रख सकते हो। चार्जिंग केस पूरा आपको मैट फिनिश के साथ मिल जाएगा जो काफ़ी गुड लुकिंग एंड प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। सो अभी हम हमारे ईयरबड्स को हमारे फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे वो कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.2 वर्जन मिलता है। फर्स्ट टाइम ईयरबड्स को आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको दोनों ईयरबड्स को चार्जिंग केस से बाहर निकलना इस तरह से, वो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लेना है और आपको पेन डिवाइस पे क्लिक करना है और नीचे आ जाएगा सर्च के बाद हेलो मोरी पॉड्स को क्लिक करना है। अलाउ करके आपको पैर पे क्लिक कर लेना है। बहुत ही फास्ट आती बार आपके फोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 100% बैटरी शो कर रहा है। यहाँ पे कोई सेटिंग्स मिल जाएगी इसको, जहाँ से आप अपनी सारी सेटिंग्स को ऑन ऑफ कर सकते हो जो काफ़ी अच्छा फीचर है। और जैसे आप दोनों ईयरबड्स को वापस प्लेस करते हैं चार्जिंग केस के अंदर, वो ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाएगा। देखो हो गया। और जैसे आप वापस बाहर निकालते हो ये ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के साथ वापस कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको और एक फीचर मिलता है जिसका नाम है मोनो मोड, जिसमें आप दोनों में से किसी की ईयरबड्स को अपने चार्जिंग केस से वापस प्लेस करके ओनली आप सिंगल ईयरबड्स को भी यूज़ कर पाओगे, जो आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल फीचर बन जाएगा। सो अभी मैंने इस ईयरबड्स को पहन लिया है। मैं इसको लास्ट 6-7 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने इसका वर्कआउट के टाइम, रनिंग के टाइम यूज़ किया, मुझे काफ़ी कंफर्टेबल एंड सिक्योर फिट मिला है। आप कितना भी मूवमेंट कर लो आपके कान में से बिल्कुल भी निकलने वाला है नहीं। लुक्स भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको मिल जाता है। ईयरबड्स बहुत ही लाइट वेट है, इसका वेट ओनली 3.9 ग्राम जो काफ़ी लाइट वेट है। इसको आप आराम से लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको ईयरबड्स के ऊपर इंडिकेटर लाइट मिल जाएगी। यहाँ पे आपको ड्यूअल माइक मिलते हैं CVC एंड एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन के लिए। नीचे आपको चार्जिंग का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। सो ओवरऑल काफ़ी आपको गुड लुकिंग एंड प्रीमियम डिज़ाइन को ये ईयरबड्स मिल जाएगा। साथ में बात करते हैं बैटरी कैपेसिटी के बारे में। यहाँ पे आपको चार्जिंग केस के अंदर 310 mAh की बैटरी मिलती है। मैंने चेक किया, इस चार्जिंग केस को फुल चार्ज करने के लिए मिनिमम आपको 2 घंटे का टाइम लगता है। और एक बार आपका चार्जिंग केस फुली चार्ज होता है, चार्जिंग केस आपके ईयरबड्स को 4 से 5 बार फुली चार्ज कर सकता है। यहाँ पे आपको ईयरबड्स के अंदर 35 mAh की बैटरी मिलती है। एक बार आपका ईयरबड्स फुली चार्ज होगा तो आपको मिनिमम 4 से 5 घंटे का म्यूजिक प्ले टाइम प्रोवाइड करता है। सो इस तरह से टोटली मिला के आपको 24 आवर्स का म्यूजिक प्ले टाइम मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा है, सफिशियंट म्यूजिक प्ले टाइम है। सो आपको इस ईयरबड्स में बैटरी लाइफ के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
सो अभी हम बात करते हैं मीडिया कंट्रोल के बारे में। यहाँ पे पूरा आपको टच कंट्रोल मिलता है। सिंपली आप दोनों में से किसी एक ईयरबड्स के ऊपर सिंपल टैप के सॉन्ग को स्टॉप कर सकते हो एंड फीचर टैप के सॉन्ग को स्टार्ट कर पाओगे। यहाँ पे आप व्हाइट वाले ईयरबड्स के ऊपर डबल टैप करके अपने नेक्स्ट सॉन्ग जा सकते हो। इस तरह से देखो नेक्स्ट सॉन्ग आ चुका है। यहाँ पे आप लेफ्ट वाले ईयरबड्स के ऊपर डबल टैप करके प्रीवियस सॉन्ग में आ सकते हो, जो काफ़ी के लिए इजी कंट्रोल बन जाएगा। यहाँ पे आपको और एक फीचर मिलता है जिसका नाम है वॉइस असिस्टेंट। सिंपली आप दोनों में से किसी एक ईयरबड्स के ऊपर ट्रिपल टैप करके अपने फ़ोन के वॉइस असिस्टेंट को एक्सेस कर सकते। इस तरह से 1 2 3 देखो ओपन हो गया, तो आपके लिए काफ़ी इजी कंट्रोल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कॉलिंग के लिए भी कंट्रोल मिलेगा। सिंपली आप दोनों में से किसी एक ईयरबड्स को सिंपल टैप कॉल को पिकअप कर सकते हो। देखो पिकअप हो गया और फिर से टैप कॉल को कट कर पाओगे। देखो यहाँ पे कट हो गया, तो काफ़ी को इजी कंट्रोल मिल जाएगा। सो अभी हम ये बस का गेमिंग रिव्यू करने वाले। यहाँ पे क्वालकॉम एपीटीएक्स में जिससे काफ़ी को लो लेटेंसी मिलने वाली है। यहाँ पे पूछ सकते हैं कितने को लो लेटेंसी आपको मिल जाएगी। ये रहा, कोई मैं गोली मार रहा है, ये रहा कहाँ रहा कहाँ, ये रहा आप पूछ चेक कर सकते हो कितनी आपको लो लेटेंसी मिलती है, कितना अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा। गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं हम कितना आपको लैग मिलता है, आप कुछ चेक कर सकते हो। काफ़ी कम आपको लेग मिल जाए, काफ़ी फुटस्टेप, काफ़ी आपको अच्छी डायरेक्शन आपको मिलती है। प्रॉपर आपको टाइप डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। सो आप इसी बस को गेमिंग के लिए भी परचेस कर सकते हैं। मेरा सो अभी हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ईयरबड्स की साउंड क्वालिटी के बारे में। यहाँ पे आपको ईयरबड्स के अंदर 12 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाएंगे, जो काफ़ी आपको प्रीमियम एंड क्रिस्टल क्लियर साउंड प्रोवाइड करते हैं। इसमें आप हर टाइप के सॉन्ग बहुत ही आराम से सुन पाओगे। इसके अंदर आपको लो, मीडियम एंड हाई पिच सॉन्ग बहुत ही आराम से सुन पाओगे। काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पे आपको वोकल्स काफ़ी आपको क्लियर मिल जाएंगे। अगर बात करें बेस के बारे में, यहाँ पे काफ़ी आपको डीप एंड बैलेंस बेस मिलता है। मैंने इसको कई सारे हाई बेस वाले सॉन्ग के साथ ट्राई किया, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी को सुपर बेस मिल जाएगा। अगर साथ में हम बात करते हैं कॉलिंग के बारे में, यहाँ पे कॉलिंग के लिए आपको ड्यूअल माइक्रोफोन मिलेगा, जिससे बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी साउंड कैप्चर के सामने डिलीवर हो जाएगी। यहाँ पे कॉलिंग के लिए आपको CVC प्लस आपको ENC मिलता है। ENC का मतलब है एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, जिससे काफ़ी आप डिस्टर्बेंस फ्री एंड क्लियर वॉइस के साथ आप कॉलिंग कर पाओगे। सो आप इसी बस कॉलिंग एंड म्यूजिक दोनों पर्पज लिए परचेस कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ईयरबड्स के अंदर IPX4 रेटिंग मिलती है। इसका मतलब आप इस ईयरबड्स को आउटडोर कंडीशन में थोड़ी बहुत बारिश के अंदर यूज़ कर पाओगे। अगर आपको जिम के टाइम स्वेटिंग होता है तो भी आपका ईयरबड्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सो अभी आपको हेलो मॉरीपोर्ट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अगर आपको कोई न्यू ईयरबड्स परचेस करना है, आप कोई न्यू कंपनी को ट्राई करना चाहते हो, तो हेलो मॉरीपोर्ट्स आपके लिए परफेक्ट चॉइस बन सकता है। इस ईयरबड्स को आप Amazon एंड AliExpress दोनों वेबसाइट पर परचेस कर सकते हो। दोनों की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो वीडियो आपको अच्छा लगा हो इस प्रकार वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमें सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हैं अगले वीडियो में।